नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। हमारे साथ में है इस समय जो समृद्धि कुशवा है, जो उन्नाव में जो घटना हुई थी उनका केस लड़ रही हैं, और आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंदिर पर ओबीसी महासभा के इस एक दिवसीय प्रदर्शन में आई हुई हैं। तो आप यहाँ पर कौन कौन सी मांगों को लेकर के आए हैं? देखिए, ओबीसी महासभा की जो मांगे हैं उसमें मैं बोल लूँगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है उसकी जनगणना की जाए, जिससे कि मुझे लगता है कि सरकार की जो पॉलिसी बनी है उससे इस देश का बहुत भला होने वाला है। कि हमें पता होगा कि सामाजिक आर्थिक रूप से कौन पिछले लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। और नो डाउट, अगर ये लोगों को डर है जो पावर में बैठे हैं, जनगणना नहीं करना चाहते, किसी जाति बात करेगी, तो हम जब फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट का, तो वहाँ कैटेगरी पूछी जाती है, आप जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी या किस कैटेगरी को। इट मीन्स कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब एक्सेप्ट कर चुके तो फिर डर किस बात का है। तो मैं जितना अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि इसलिए ये नहीं कराना चाहते हैं कि देश का जो बहुत बड़ा काम जो कि रूलर ने ही रहा है, जिसको आप शोषित भी कर रहे हैं, जिसे आप काम भी ले रहे हैं, और जो पीड़ित भी है, वो कहीं आकर के पावर का हिस्सा ना बन जाए, सत्ता का हिस्सा ना बन जाए। क्योंकि उसको पता होगा इन सारी चीज़ों से, तो उसके फेवर में पॉलिसी बनेगी, वो आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत होगा। तो एक किसान का बेटा फिर एमपी और विधायक भी बनेगा, वो अन्य सर्विसेज में भी जाएगा, स्ट्रांग होगा। एजुकेशन पॉलिसी अगर सरकार बनाएगी तो सरकार को फ्री में उसको एजुकेशन भी देनी पड़ेगी जब वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। तो इसीलिए सरकार की जो मंशा है, मैला फाइट उनका इंटेंशन है, वो उनकी मंशा ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि ये कुछ मैम। ये बताइए, हाथरस की जो घटना होती है वहाँ पर भी एक दलित समाज की लड़की होती है, बुलंदशहर में एक रेप होता है, लड़की लोधी समाज से ओबीसी समाज से आती है, इसके बाद में बंडा में अभी सागर जिले के मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है वहाँ पर भी ओबीसी समाज से एक लड़की है, 11 वर्षीय लड़की के साथ में बलात्कार किया जाता है। तो लगातार ये घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्राइम जो होता है वो दो कारण है, जितना मैं समझ रहा हूँ। एक तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होना, कानून का सही से पालन ना होना, लोगों में डर नहीं है, ऐसे अपराध करते हैं। दूसरा है कि जो सामाजिक ताना बाना है, जो कल्चर है, इसमें फीमेल को अभी भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सोशल फीमेल कल्चर है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की पहला, क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं पर भी निकल रही है, मजदूरी करने के लिए, छोटी बच्ची बाहर खेल रही है। तो इन लोगों के साथ जब अपराध होता है तो पुलिस भी नहीं सुनती, क्योंकि पुलिस सिस्टम की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो वहाँ पर नंबर ऑफ अगर काउंट करेंगे तो पर्टिकुलर समाज से आने वाले जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वहाँ ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि शोषित पीड़ित वंचित है और उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है, तो उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में गंजी मुख्यमंत्री बनती है, फुल मेजोरिटी में 2007 में आती है, आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग था कि उसकी वाहवाही पूरा देश ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मीडिया ने कवर की, कि एक दलित समाज की बेटी जब पावर में बैठी तो किस तरीके से सबका मूलक समाज की बात की और लॉ एंड ऑर्डर को इतना स्ट्रांग करके दिखा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटीज़ के लोग फुल पावर में, और वहाँ से वो पॉलिसी जो बनी वो सबके लिए, ये बहुत आवश्यक है। ये ना होने की वजह से भी, क्योंकि जो लोग पावर में हैं उनके यहाँ पर ये समस्या नहीं है, जब उनके यहाँ जिसके यहाँ समस्या नहीं, वो किसी के प्रतिवाद क्यों हो, उसको तो जितना उसका भागीदारी है उससे कहीं ज़्यादा वो ले रहा, लालच को अर्जित कर रहा है। इसीलिए कभी भी आप सर्वे अगर करवाएंगे इस देश के अंदर, तो चाहे प्रॉपर्टी की बात करें या सरकारी नौकरियों की बात करें, जैसा कि अभी मैंने आपको पर्टिकुलर समाज के लोग कहा है, तो उनको क्या ज़रूरत है कि इस देश का बहुत बड़ा तबका जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है उसको वो क्यों आज़ाद करना चाहेंगे, क्यों मजबूत करना चाहेंगे? अगर उसको मजबूत करेंगे तो सत्ता से वो ले दिखा लेंगे, ये वर्ग बैठेगा तो इक्वलिटी की बात होगी और इक्वलिटी उनके चरित्र का हिस्सा नहीं। राजस्थान में जालौर में इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या की कर दी जाती है, उस बच्चे की, जो मासूम बच्चा है जो घड़े से पानी पी लेता है, तो जबकि ये कहते हैं कि कोई जाति बात नहीं है। जाति बात यही है कि ये कौन कह रहा है, मुझे लगता है जो व्यक्ति ये कह रहा है वो सबसे बड़ा जातिवाद है। अगर जातिवाद नहीं है, इस देश की जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस देश के अंदर वो व्यक्ति जाति को ख़त्म करने की बात कर रहा है जो खटका है, जिसके साथ घर की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जो शोषित पीड़ित वंचित है, क्योंकि जाति के आधार पर ही ये सब हो रहा है, इसीलिए वो व्यक्ति कह रहा है। और जो ये कह रहा है कि जातिवाद नहीं है, बहुत बड़ा जातिवाद है,
क्योंकि अगर जातिवाद नहीं होता तो उस छोटे से नन्हे ऐसे बच्चे को कोई इतना क्यों पीटता कि उसकी डेथ हो गई। हाथरस केस में वो बेटी के साथ गैंगरेप मर्डर किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं कह रही हूँ सरकारें भी अपराध कर दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी का तेल डाल के चलवाया। क्या वो जातिवादी मानसिकता नहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी? क्या मैं आज कह रही हूँ, क्या वो जनरल कैटेगरी की कोई बेटी होती और किसी एलीट परिवार की बेटी होती इस तरीके से कैप्शन डाल करके जलवाती? सर सम्मान आप उसको इस दुनिया से मिला, चूँकि वो बार्मिक समाज से आने वाली बेटी जिसका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके हक अधिकार की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे जी है, इसीलिए उनको आप सोच सकते हैं बच्चे। तो ये मानसिकता मुझे लगता है कि इस तरीके के जो आंदोलन हुए, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है जो पावर में आए थे, आप ओबीसी के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, देखा जाए तो वर्तमान में ओबीसी प्रधानमंत्री है और वो जो नाम के प्रधानमंत्री आदिवासी जो महिला है, नो नाम के ओबीसी प्रधानमंत्री है। मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर जिस व्यक्ति का चरित्र राष्ट्रवादी नहीं है, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है इस मामले में कि देश के लोगों के लिए अच्छा काम करे, वो किसी भी कैटेगरी का हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप सर्टिफिकेट लेकर के आए, अगर आपकी मनसा अच्छी होती, आपका ये चरित्र ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता कि आप ओबीसी के हितैषी हैं, तो शायद आप अभी तक जातिगत जनगणना के लिए जो शासनादेश था उसको जारी कर चुके होते कि बिल्कुल हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी डिमांड करे, जिसके वजह से हम प्रधानमंत्री बने और जिनके वजह से हमने सर्टिफिकेट बनवा लिया ओबीसी का। कम से कम हमारा ये नैतिक और पॉलिटिकल दायित्व बनता है देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए कि जाति जनगणना करना, तो ये तो है ना। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि आप ओबीसी प्रधानमंत्री।